काफी दिनों से दो डिवाइस जो सिर के ऊपर मंडरा रहे थे, यानी कि आईक्यू 3 और जो है रियलमी X50। तो फाइनली ये डिवाइस है जो 24-25 फरवरी को जो लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें बात कर रियलमी X50 की, जो उसकी प्राइस थी तकरीबन 38,000 के अबव, यानी कि 38,000 से बेस मॉडल शुरू था, कुछ ऐसे ही प्राइस था आईक्यू 3 का। तो अगर इसका नशा उतर चुका हो तो बढ़ते हैं आप अगले डिवाइस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रियलमी जो है जल्दी जो है रियलमी की 5 सीरीज को आगे बढ़ाने की सोच रही है, यानी कि रियलमी 5 का अपग्रेड, रियलमी 6, रियलमी 6 प्रो और रियलमी 6i, तो आने वाले कुछ ही दिनों में जो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ऑफिशियली जो है ट्विटर के हैंडल पे भी जो आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है, रियलमी 6 कमिंग सून। तो रियलमी 6 में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियलमी 6i की, बट उससे पहले एज ऑलवेज अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो देखिए दोस्तों, और बात करें हम रियलमी 6i जो है रियलमी 5i का सक्सेसर है, जो कि जनवरी 9 को जो है लॉन्च हुआ था, उसके ठीक अभी 2 मंथ भी जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट वो डिवाइस जो अभी यहाँ पर आ चुका है, कुछ इमेजेस जो है लाइव यहाँ पर आप देख भी सकते हो। जो रियलमी 6i जो होगा NBTC सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड होगा, उसके बाद बात करें हम इसमें 48 MP का जो मेन कैमरा होगा, यानी कि बैक में जो है 3 कैमरे दिए जाएंगे, यानी कि 4 सॉरी 48 MP प्लस 12 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP, यानी कि मेन सेंसर, प्राइमरी सेंसर, वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल और जो है 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। 18 वाट का फास्ट चार्जिंग जो है सपोर्ट करेगा, 5000 mAh की जिसमें बैटरी होगी। जहां तक बात करें 5i में, तो उसमें 10 वोट का चार्जर दिया गया था। कलर OS 7 होगा, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर। वैसे भी आजकल रियलमी के जो भी लेटेस्ट डिवाइस आ रहे हैं सब में कलर OS 7 दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जाएगा। ड्यूअल सिम स्लॉट होगा इसमें, LTE सिग्नल, वाईफाई बैंड, ब्लूटूथ 5.0, तो ऑब्वियसली सारे फीचर जो दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलमी 6 प्रो की, सॉरी रियलमी 6 की, जिसमें जो है 64 MP का जो है वाइड कैमरा का जो सेटअप दिया जाएगा, और CEO माधव सेठ ने जो ऑफिशियली जी ये कंफर्म किया है कि डिवाइस जो है जल्दी आप देख सकते हो अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें सलमान खान के साथ जो है नजर आ रहे हैं ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हो। इसमें जो है 64 MP का AI क्वाड कैमरा का जो है सेटअप दिया जाएगा, और इसमें जो है मीडियाटेक हीलियस G90 का चिपसेट दिया जाएगा, वही सेम प्रोसेसर जो कि हमें रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिला था, और कहा जा रहा है कि प्राइसिंग भी जो है उससे काफ़ी कम रखी जाएगी, और ड्यूअल बैंड वाईफाई होगा, USB टाइप सी पोर्ट इसमें जो दिया जाएगा, फिंगर बैक में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। और प्राइस की बात करें, प्राइस जो कहा जा रहा है 10 से 12 हज़ार के बीच जो है 10 हज़ार तक ये लॉन्च हो सकता है, तो अगर ऐसा होता तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो है रेडमी नोट 8 प्रो का प्रोसेसर, जैसे कि आपको पता है काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर था उसका, तो वही प्रोसेसर जो अब इसमें भी दिया जा रहा है, फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करेगा। और नेक्स्ट बचता है हमारा रियलमी 6 प्रो, तो उसके लेकर जो आप ऑफिशियली कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही कोई जानकारी अवेलेबल होती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो हाल फिलहाल बात यह है कि अगर आप कोई डिवाइस लेना चाहते हो 10 से 8 से 15 की रेंज में, तो प्लीज़ वेट फ्यू डेज, विद इन ए वीक जो आपको डिवाइस जो देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होते ही हम ये डिवाइस देख सकते हैं। तो बात करें जहाँ पर, जहाँ रियलमी 6 सीरीज लॉन्च होगी, तो ऑब्वियसली हमें जो है 9 जो है रेडमी नोट 9 सीरीज भी जो जल्दी देखने को मिल सकती है। तो वेल, कंपटीशन तो इनका ऐसे ही चलता रहेगा हमें क्या। तो दोस्तों, आई होप कि आपके वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपके वीडियो जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।